अब आपको मैं एक लौंग लता तोड़ के दिखाती हूँ। फ्रेंड्स, आज मैं स्वीट की रेसिपी बना रही हूँ, तो स्वीट में मैं आज लौंग लता बनाने वाली हूँ। तो लौंग लता बनाने के लिए हमें सबसे पहले डो तैयार करना है। तो मैंने 1 कप के करीब ये मैदा लिया हुआ है। अब इसके अंदर मैं 1 पिंच के करीब नमक ऐड करूँगी। आप अगर कुछ भी मीठा बना रहे हैं और उसके अंदर आप थोड़ा सा नमक ऐड कर देंगे ना, तो उस मीठे का स्वाद जो है वो दुगना हो जाता है। अब इसे हम मोयन देंगे। मोयन देने से हमारा लौंग लता जो है खस्ता और क्रिस्पी बनेगा। तो मैंने घी को हल्का सा गरम कर लिया है। जब भी आप मोयन दे तो घी को हल्का सा गरम कर ले और घी का ही मोयन दे, बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है। अब इसके अंदर मैं 4 से 5 चम्मच के करीब घी ऐड करूँगी और घी को हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। घी और नमक मैदे के अंदर अच्छे से मिक्स हो चुका है। मैं आपको मैदे को बाइंड करके दिखाती हूँ। बाइंड करने पे अगर मैदा इस तरीके से हो रहा है तो आप समझिए कि आपका डो तैयार होने के लिए रेडी है। अब इसके अंदर मैं थोड़ा थोड़ा वाटर डाल के इसका टाइट डो रेडी करूंगी। वाटर आपको इसके अंदर एक साथ बिल्कुल भी ऐड नहीं करना है और लौंग लता बनाने के लिए हमें टाइट डो ही रेडी करना है। इस तरीके से हम थोड़ा थोड़ा वाटर इसके अंदर मिक्स करेंगे और डो तैयार करेंगे। अब हमारा टाइट डो रेडी हो चुका है, आप देख सकते हैं। अब इसके ऊपर मैं थोड़ा सा घी लगा दूंगी कि हमारा जो डो है वो ऊपर से ड्राई ना हो, और इसे कवर करके मैं 15 मिनट के लिए रेस्ट पे रख दूंगी। तब तक हम अपने लौंग लते की स्टफिंग की तैयारी कर लेते हैं। लौंग लता की स्टफिंग बनाने के लिए मैंने ये 200 ग्राम के करीब खोआ लिया है। तो खोआ को मैं सबसे पहले ग्रेट कर लूंगी। आप चाहे तो क्रम्बल भी कर सकते हैं इसे, तो मैं बड़े वाले ग्रेटर से इसे ग्रेट करूंगी और इसे मैं डायरेक्टली पैन के अंदर ही ग्रेट कर रही हूँ। अब पूरे 200 ग्राम के करीब जो खोआ था उसे मैंने ग्रेट कर लिया है। अब इसे हम लेके चलते हैं गैस की ओर। अब मैंने खोए को गैस के ऊपर रख दिया हुआ है। खोए को हमें भूनना है कि खोए के अंदर का जो कच्चापन है वो निकल जाए और हमारा खोया जो है अच्छे से भून के रेडी हो जाए। और गैस का फ्लेम मैंने मीडियम करके ही रखा है। मीडियम फ्लेम पे ही हमें खोए को भूनना है। जब हमारा खोआ अच्छे से भून जाएगा तो ये पूरी तरीके से मेल्ट हो जाएगा और इसका कलर भी जो है वो थोड़ा सा चेंज हो जाएगा। और फ्रेंड्स, मेरे चैनल पे बहुत सारी स्वीट की रेसिपी है, उसके लिए आप मेरे चैनल पे विजिट कीजिए। अब आप देख सकते हैं कि हमारा खोआ जो है अच्छे से भून चुका है और एक डो जैसा रेडी भी हो रहा है। अब इसे हम एक बाउल में निकाल देंगे और पूरी तरीके से ठंडा होने देंगे, फिर आगे का प्रोसेस हम करेंगे। अब लौंग लता के लिए हम शुगर सिरप तैयार करेंगे। तो उसके लिए मैंने गैस पे एक बर्तन रख दिया हुआ है। अब बर्तन के अंदर मैं 1 कप के करीब शुगर ऐड करूंगी और 1/2 कप के करीब इसके अंदर मैं वाटर ऐड करूंगी और थोड़े से केसर के धागे में 3-4 इसके अंदर ऐड करूंगी। ये टोटल ऑप्शनल है। अब इन सबको हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे और मीडियम फ्लेम पे हमें शुगर सिरप रेडी करना है। और लौंग लता बनाने के लिए हमें कोई भी एक तार या दो तार की चाशनी नहीं चाहिए, बस हमारा शुगर जो है वो मेल्ट हो जाए। और मेल्ट होने के बाद थोड़ा सा हमारे शुगर सिरप के अंदर चिपचिपापन आ जाए, बस उतना ही हमें इसे पकाना है। अब आप देख सकते हैं कि हमारा शुगर जो है मेल्ट हो चुका है। अब इसे हम 2 मिनट तक और पकाएंगे और आप देख सकते हैं कि केसर का कलर हमारे शुगर सिरप के अंदर कितने अच्छे से आ चुका है। अब शुगर सिरप को मैंने 2 मिनट तक पकाया हुआ है। मैं आपको दिखाती हूँ कि लौंग लता बनाने के लिए आपको किस तरीके का शुगर सिरप रेडी करना है। इस तरीके से हम उंगली में शुगर सिरप को लगा लेंगे और आप देख सकते हैं कि शुगर सिरप के अंदर थोड़ा सा चिपचिपापन आ चुका है। शुगर सिरप हमारे हाथों में थोड़ा सा चिपक रहा है,
इससे ज़्यादा हम शुगर सिरप को नहीं पकाएंगे, नहीं तो ये तार की चाशनी बन जाएगी। अब गैस का फ्लेम हम ऑफ कर देंगे और शुगर सिरप को हम ठंडा होने देते हैं। अब लौंगलता के स्टफिंग के लिए हमारा खोआ भी जो है ठंडा हो चुका है, बस हल्का सा इसे हमने गर्म रखा है। अब इसके अंदर हम कुछ ड्राई फ्रूट ऐड करेंगे। तो मैंने थोड़े से बादाम को इस तरीके से बारीक कट करके लिया हुआ है, इसे हम ऐड कर देंगे। आप अपने पसंद के अनुसार इसके अंदर ड्राई फ्रूट ऐड कर सकते हैं। और थोड़े से काजू को भी मैंने बारीक कट करके ले लिया हुआ है और थोड़े से पिस्ते को भी मैंने बारीक कट करके ले लिया है। और 10 से 12 इसके अंदर मैं किशमिश ऐड करूंगी। फ्लेवर के लिए इसके अंदर मैं इलायची पाउडर ऐड करूंगी। अब इसके अंदर हम शुगर पाउडर अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ऐड करेंगे। आप मीठा जितना खाना पसंद करते हैं उस हिसाब से आप इसके अंदर शुगर पाउडर ऐड करें। और शुगर पाउडर आपको खोए को पूरी तरीके से ठंडा होने के बाद ही ऐड करना है। अगर आपका खोआ गर्म है उसी समय आप उसके अंदर शुगर पाउडर ऐड कर रहे हैं तो शुगर जो है वो अपना पानी छोड़ देगा और आपका स्टफिंग जो है वो ढीला हो जाएगा। इसके अंदर मैं 3 से 4 चम्मच के करीब शुगर पाउडर ऐड करूंगी। अब इन सारी सामग्रियों को हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब ड्राई फ्रूट और शुगर पाउडर अच्छे से मिक्स हो चुका है। आप देख सकते हैं कि हमारा स्टफिंग जो है एकदम अच्छे से तैयार हो चुका है। अब स्टफिंग को हम शेप देंगे। तो सबसे पहले हम हाथों में थोड़ा सा घी लगा लेंगे कि हमारा स्टफिंग जो है वो हाथों में चिपके नहीं। और थोड़ा सा हम स्टफिंग लेंगे। आप देख सकते हैं कि मैंने इतना बड़ा स्टफिंग का बॉल लिया हुआ है। अब इसे मैं स्क्वायर शेप में कर दूंगी। आप चाहे तो स्क्वायर या रेक्टेंगल शेप में भी इसे कर सकते हैं। मैंने इस तरीके से इसे स्क्वायर शेप में कर दिया हुआ है। इस तरीके से इसे शेप देने से क्या होगा कि जब हम लौंगलते के अंदर से स्टफ करेंगे तो बहुत ही अच्छा शेप आएगा हमारे लौंगलते का। अब इसी तरीके से बाकी के सारे स्टफिंग को हम बना लेंगे। अब लौंगलते के स्टफिंग को मैंने इस तरीके से शेप दे दिया है। अब इसे मैं 5 से 7 मिनट के लिए फ्रिज के अंदर रखूंगी कि ये थोड़ा सा हार्ड हो जाए। अब हमारा डो भी अच्छे से सेट हो चुका है। इसे हम एक बार फिर से मसल लेंगे। और इसकी हमें छोटी छोटी सी गोलियां तोड़नी है। जिस तरीके से हम पूड़ी बनाने के लिए गोलियां तोड़ते हैं उसी तरीके की हमें इसकी गोली तोड़नी है। इतनी बड़ी। इसी तरीके से बाकी की सारी गोलियां हम तोड़ लेंगे। मैंने चकले पे एक गोली रखी हुई है। जिस तरीके से हम पूड़ी बेलते हैं उसी तरीके से इसे हमें बेलना है, पर इसे हमें थोड़ा सा पतला ही बेलना है। मैंने बेलन में थोड़ा सा तेल लगा लिया हुआ है। आप चाहे तो सूखे मैदे का भी यूज कर सकते हैं। अब इसे मैंने बेल लिया हुआ है। आप देख सकते हैं कि कितना पतला मैंने इसे बेला हुआ है। अब हमने ये जो पूरी बेली है उसके ऊपर हम स्टफिंग रखेंगे इस तरीके से और चारों तरफ अच्छे से हम पानी लगा देंगे कि हमारा लौंगलता जो है वो अच्छे से चिपक जाए। अब मैंने इसके ऊपर चारों तरफ अच्छे से पानी लगा दिया हुआ है। अब इसे हम इस तरीके से कर देंगे और इसे हम इस तरीके से शेप दे देंगे। और इसी तरीके से हम दूसरा वाला साइड भी उठाएंगे और उसे भी हम इस तरीके से कर देंगे। आप देख सकते हैं मैंने ये प्रोसेस किस तरीके से किया हुआ है। अब इसे हम उल्टा कर देंगे। अब यहां पे दोनों साइड हम वाटर लगा देंगे।
इसे हम इस तरीके से कर देंगे, हल्के हाथों से इसे हमें प्रेस करना है और दूसरा साइड भी हम इस तरीके से कर देंगे। और बीच में हम इस तरीके से लवंग लगा देंगे। आप देख सकते हैं कि हमारा लौंग लता का एक पैकेट जो है रेडी हो चुका है। इसी तरीके से बाकी के हम और रेडी कर लेंगे। लौंग लता को फ्राई करने के लिए गैस पे मैंने तेल रखा हुआ है गरम होने के लिए। गैस का फ्लेम मीडियम करके ही मैंने तेल को गरम किया है। तेल आपका ज्यादा गरम नहीं होना चाहिए, नहीं तो आप लौंग लता जैसे ही डालेंगे वो ऊपर से ब्राउन हो जाएगा पर अंदर से पूरी तरीके से पक नहीं पाएगा और आपका लौंग लता जो है वो जल जाएगा। अब इसके अंदर में एक एक करके लौंग लते हमने जो तैयार किए हैं वो ऐड करेंगे और गैस का फ्लेम इस बात का ध्यान रखें कि मीडियम करके ही रखना है और इसे हमें लाइट ब्राउन और क्रिस्पी होने तक फ्राई करना है। मैं कढ़ाई में एक साथ 5 लौंग लते को फ्राई कर रही हूँ। अगर आपकी कढ़ाई बड़ी है तो आप ज़्यादा लौंग लते डाल के फ्राई कर सकते हैं और इसे हम कढ़ाई में जैसे ही डालेंगे वैसे ही तुरंत इसे हमें पलटना नहीं है। अब ये नीचे से थोड़ा सा सिक चुका है, मैं इसे पलट लूंगी। अब हमारा लौंग लता जो है ब्राउन कलर का हो चुका है। अब इससे ज्यादा हम इसे फ्राई नहीं करेंगे, अब इसे हम एक प्लेट में निकाल लेंगे। इसी तरीके से बाकी के और लौंग लते के पॉकेट को हम फ्राई कर लेंगे। अब आप देख सकते हैं कि हमारा लौंग लता जो है कितने अच्छे से फ्राई हो चुका है। अब हमारा शुगर सिरप भी ठंडा हो चुका है। शुगर सिरप को पूरी तरीके से ठंडा करने के बाद ही हमें इसके अंदर लौंग लता को ऐड करना है और शुगर सिरप में हम इसे इस तरीके से कोट कर लेंगे कि शुगर सिरप जो है हमारे लौंग लते के अंदर अच्छे से लग जाए चारों तरफ। और 1 से 1.5 मिनट तक मैं इसे शुगर सिरप के अंदर छोड़ दूंगी। अब आपको मैं एक लौंग लता तोड़ के दिखाती हूँ। आप देख सकते हैं जैसे बाजार में हमें लौंग लता मिलता है ऊपर से क्रिस्पी और अंदर से जो उसकी स्टफिंग भरी रहती है, सेम उसी तरीके से हमारा ये लौंग लता घर में बनके तैयार हो चुका है। फ्रेंड्स, बहुत ही कम समय में और बहुत ही आसान तरीके से हमारा लौंग लता जो है बनके तैयार हो चुका है। होली का फेस्टिवल नज़दीक है तो होली के फेस्टिवल पे आप ये लौंग लता बहुत ही आसान तरीके से घर में बना के तैयार कीजिए। अगर आपको ये रेसिपी पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और मेरे चैनल कविता की रसोई को सब्सक्राइब कीजिए। तो फ्रेंड्स, फिर मिलेंगे एक नए वीडियो में एक नए रेसिपी के साथ। तब तक के लिए फ्रेंड्स, गुड बाय।